भारतीय पैरालंपिक टीम नई दिल्ली में गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अपने अपने होटलों से रवाना हुई। पैरालंपियनों की टीम ने टोक्यो में 19 मेडल की संख्या को बेहतर बनाते हुए इस बार 29 पदक जीते हैं। उनमें प्रधानमंत्री से मिलने का रोमांच था, साथ ही वह सरकार से समर्थन के लिए आभार के रूप में अपने साथ कुछ तोहफे भी ले गए थे। इस बात से अंदाजा आप लगा लो कि जब मैं इंडिया में जब मेरा सिलेक्शन हो गया था ना, तो मेरे को ये पक्का हो गया था कि मोदी सर से तो मैं मिलूंगा, तो बहुत तगड़ा एक्साइटेड हूँ। अब तो मेडल भी है तो सर से काफ़ी एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जाने से पहले भी सर ने हमें ऑनलाइन गुड विशेस दी थी और गुड लक बोला था, और बहुत एंकरेजिंग होता है ये कि हम जब भी मेडल जीत के आते हैं तो मोदी जी हमें मिलते हैं, और बहुत एक मोटिवेटिंग पार्ट होता है, बहुत एंकरेजिंग होता है प्लेयर्स के लिए कि उनके प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं और उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, बाकी के सब प्रोग्राम इसके बाद होंगे, तो आज जो मुलाकात है वो उनसे होने जा रही है। काफ़ी खुशी है कि ऑनरेबल पीएम साहब से मिल रहे हैं आज, और फॉर श्योर और भी एथलीट्स और हम भी मोटिवेट होंगे उनसे मिलके, और जो वो गाइडेंस देंगे उसको फ्यूचर में टूर्नामेंट्स में सहायता मिलेगी हमें। पीएम मोदी ने दोपहर 12 बजे अपने आवास पर एथलीटों से मुलाकात की। इसके बाद भारतीय पैरालंपिक समिति की योजना एथलीटों को सम्मानित करने की है।